अधीरा बैठा है, वेट कर रहा है पूजा स्टार्ट आने की। और ये पाठरा तो आज लाए हैं, कल दिवाली पे सेट करेंगे। अब धनतेरस पे तो कल यहीं सेट कर लिया था, तो आज तो नहीं उठाएंगे, कल उस पे करेंगे नए पाटे पर। और ये हम आइकिया से बुक शेल्फ लाए थे जिसको हमने मंदिर बना लिया। हम तो मंदिर ही लाए थे, उन्होंने बुक शेल्फ से कर रखा है। सही है, इक्वल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रॉड क्वेस्ट। आप सभी को धनतेरस और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी के जो भी ड्रीम है इस साल, वो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि वही सबसे बड़ा धन है। कि जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी आप धन का यूज कर पाओगे। तो इसलिए सबको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा धन मिले, सब पे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। स्वस्थ तन स्वस्थ मन ही सबसे बड़ा धन। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, प्लीज लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। अब तो धीरा ने भी बोल दिया, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोगों ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट की? सबसे पहले आप लोगों ने धनतेरस पे क्या क्या शॉपिंग की उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम तो धनतेरस पे अधीरा के लिए टीवी लेके आए थे और चैनल पे ये बने रहे। आगे आने वाले वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत सारी जॉब्स और स्पेशली टीचिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से टीचिंग में जो है वो जॉब यहाँ ली जाती है और क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से मैंने जो है वो टीचिंग में जॉब ली। क्योंकि यहाँ टीचर की जो मतलब गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि यहाँ 90% स्कूल गवर्नमेंट ही होते हैं, तो टीचिंग की जो मतलब गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ प्राइवेट कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरा टीचिंग में और यहाँ हर जॉब में पेंशन होती है, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो इंडिया में जिस जिसने बीएड कर रखी है और आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो गए, बहुत बार ट्राई कर लिया टायर्ड हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ इंग्लैंड में आप ट्राई कर सकते हैं। मेनली तो मैथ्स और साइंस में टीचर बनना यहाँ इजी है, क्योंकि उसी की डिमांड ज्यादा रहती है, क्योंकि स्कोप उन्हीं का ही है मेनली। बाकी अदर सब्जेक्ट में तो यहाँ टीचर मिल जाते हैं, बट हाँ जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इंग्लिश का टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, ये सब र्यूमर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है और स्पेशलाइज टीचर होते हैं, तो उनपे ना जाए। बट हम पूरा प्रोसेस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है टीचर ट्रेनिंग के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ये हम बनाएंगे बादाम बर्फी और ये निकल रहा है मावा। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, ये बादाम को सेक के और अब पाउडर बना लिया। देखो कितना सुंदर रंग आया है। 2 किलो दूध में ये इतना मावा निकला है। और अब बनाएंगे पालक पनीर। ये मावा, ये बादाम और नारियल, इसकी बर्फी बनाएंगे। और ये हो रहे हैं 1:15, एकदम बादल है, ऐसे लग रहा है शाम हो रही है। खीर चढ़ा दी प्रसाद के लिए। तेरा तो कल वाले फूलों के पेटल्स तोड़ रहा है ना, रंगोली में यूज कर लेंगे। और इधर हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। हाँ तोड़ लो, मत तोड़। हाँ छोटी, वेरी नाइस। क्योंकि मैंने सोचा इनसाइड तो वाइट था, मेरे को डार्क में कुंडी नम नहीं थी, तो मेरा रंगोली चिपकाएंगे। वाटर ड्रॉप से मरेगा।
कोई बैंगल है तेरा के? बैठ जा क्योंकि हम थोड़ा सा फूड यूज करेंगे दिए कर रही है तैयार और अधीरा कर रहा है डांस पूजा के बाद। वाह ब्यूटीफुल। वाह अधीरा तो तेरा ने बना दी फ्लावर पेटल से कितने सुंदर डिजाइन। वाह तेरा वेरी ब्यूटीफुल। अधीरा कर रहा है रेश रंगोली बना के, टायर्ड हो गया, बनाना खा रहा है। और ये रही अधीरा की पेटल्स और अब बना रहे हम तोरण। इंडिया में तो बनी बनाई मिल जाती है। थोड़े क्लोज बनाए ये सही लग रहे, वो थोड़े दूर लगे पहले पता नहीं था। ये बना ले सुंदर सी तोरण, सुंदर लग रहा है। हाँ बस दो की है, बीच में लगा दो कांटों के लगा रहे हो तो लग रहा है। हाँ गुड लग रहा है ना दीरा। मैंने रंगोली बनाया, डैडी ने ये बनाया। और दीरा ने ये पेटल से डिजाइन बनाया ना, और रंगोली में भी हेल्प करी है। चलो अब इसको हैंग करते हैं तो डोर पर। तो क्रैकर्स की वेट हो रहा है ना। हाँ मैं कैसे पूछी ऐसी करता है एक तो बहुत फनी फनी सी क्या।